हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल मरीन लाइफ विद शिव। सो गाइस, आज हम लोग हमारे मॉन्स्टर मरीन टैंक में फिश ऐड करेंगे। यस गाइस, तो फिश कैसे ऐड करेंगे, उसके बारे में हमें क्या क्या करना है वो हम लोग देखेंगे। न्यू हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइस, लेट्स सी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग टेस्टिंग कर लेंगे अपने मरीन टैंक का वाटर। यस, विद द हेल्प ऑफ हैना डिजिटल टेस्ट मीटर। सबसे पहले हम लोग टेस्टिंग करेंगे हमारा एल्किलिटी। अब टेस्टिंग के लिए बहुत सारे प्रोसेस हैं, उसका ज़्यादा वीडियो बनाया नहीं है मैंने, इसीलिए शॉर्ट में आपको दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले हम टेस्टिंग कर लेंगे हमारे सब पैरामीटर्स ओके हैं। यस गाइस, तो ओके हैं तो आज हम लोग लेके आए हैं हमारे टैंक में सबसे पहले डालने के लिए नीमो फिश। यस, नीमो जो कि ट्रू परकुला है, हम हमारे टैंक में सबसे पहले ट्रू परकुला डालने वाले हैं, जिसको हम लोग एक्लिमेट करेंगे कम से कम एक घंटा। एक घंटे का वीडियो है, लेकिन एक घंटे का वीडियो मैंने बनाया नहीं है, सो फास्ट में मैंने शॉर्टली वीडियो बनाया है। इस हिसाब से एक्लिमेट करेंगे उसको स्लोली स्लोली। अगर जो ड्रिपिंग फास्ट करेंगे तो आप पानी लंबे टाइम तक रखिएगा। उस हिसाब से हमने यहाँ पर दो घंटा कम से कम ड्रिपिंग किया है। स्लोली 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 हमने स्टार्ट करते हुए हमने कम से कम दो घंटे का ड्रिपिंग दिया है। साथ में हम लोग डाल रहे हैं आज हर्मिट क्रैब्स, टर्बो स्नेल और हमारे इन्वर्टिब्रेट्स, जिसमें सी कुकुम्बर भी है, इसको हमने ऐड किया है। सो इनको भी आप एक्लिमेट करने के लिए इस तरह से एक्लिमेट कर लीजिएगा। ये हमारा सी कुकुम्बर है जो कि हमारे सैंड को मेंटेन करेगा। सैंड के ऊपर ब्राउन एल्गी आता है, सैंड के ऊपर डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं, और इवन हमारे रॉक्स के ऊपर भी जो एल्गीज आते हैं उसको सी कुकुम्बर खाता है। सी कुकुम्बर को एल्गी बहुत पसंद है, वो आपके टैंक का एल्गी मेंटेन रखता है, ग्रो होने नहीं देता ज़्यादा। और हमारे हर्मिट क्रैब्स और हमारे टर्बो स्नेल्स जो कि सब चीज़ को मेंटेन रखते हैं। सेम तरह से आप फटाफट अपना प्रोसेस कर लेंगे और हमारा एक्लिमेशन दो घंटे का हो चुका है। हमने इसका जो वाटर है बाद में निकाल दिया था, अब हमने इनको टैंक में ऐड कर दिया। सो गाइस, नीमो को टैंक का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लग रहा है। यस, हमारे टैंक का सब पैरामीटर्स बराबर है, सब ओके है। बैक्टीरियस को ग्रो होने के लिए हमने श्रिम डाला था, वो भी अच्छी तरह से ग्रो हो चुका है। सो सब लेवल्स बराबर हैं। उसके बाद हमने हमारे टैंक में क्लाउन फिश को डाल दिया है। ट्रू परकुला हम लोगों ने ऐड किए हैं, साथ में हमारे हर्मिट क्रैब्स, टर्बो स्नेल्स, वो भी अपना काम कर रहे हैं। देखिए, जैसे ही हमने टैंक में डाला, दे आर स्टार्टेड डूइंग देयर वर्क। और नीमो भी ढूंढ रही है कि मैं कहाँ पे हूँ, किस तरह से हूँ और कौन सी जगह पे हूँ। हमारा सी कुकुम्बर जिसको हमने यहाँ डाला है, वो अपना काम स्टार्ट कर रहा है, वो अपने सैंड को खा रहा है। जहाँ जहाँ पे एल्गी है उसको भूख लगी होगी, एंड उस हिसाब से वो अपने आप को केयर करेगा। सो गाइस, हमारे टैंक का जो एनवायरनमेंट है वो हम किस तरह से क्लाउंस को, कोई भी फिश को देंगे, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। ये जो प्रोसेस है 24 आवर्स के लिए हम इसको देखेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, आफ्टर 24 आवर्स टाइमिंग आता है खाने का। यस, फीडिंग टाइम जो है 24 आवर्स के बाद हम लोग मरीन एस इसको देंगे, क्योंकि स्टार्टर फिश के लिए सबसे बेस्ट है आप लाइव फूड पर मत डाल के उसको, आप नेचुरल जो फूड रहता है जो कि कंपनीज बनाती है, मरीन एस हो गया, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। मैं फ़िलहाल स्टार्टिंग में मरीन एस से ही स्टार्ट करता हूँ। तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने मरीन एस खिलाया इनको, और फ्रेंड देखते हैं कि इनको कैसा पसंद आया मरीन एस। डालते हैं खाना। ओके, लेट्स सी। थोड़ा सा खाना डालना है जो कि ओवरफीड भी ना होए, क्योंकि ओवरफीड करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, इसलिए यस थोड़ा सा फूड डालेंगे। ओके, देख लिया इन्होंने और इनको बहुत पसंद आ रहा है। लेट्स सी। ओके, एक ट्रू परकुला ने खाना स्टार्ट कर दिया है, दूसरी वाली देख रही है, ये बोल रही है कि आ जाओ तुम भी खा लो यार, खाना आ चुका है टैंक के अंदर, ये सोचे जा रही है। ओके गाइस, ये भी आ गई खाने के लिए। दैट्स स्वीट, दैट्स स्वीट।
सो गाइज अभी दोनों क्लाउन हमारी खाना खा रही है, दे हैव स्टार्टेड हैविंग फूड। इनका स्टमक अच्छी तरह से वॉश हो चुका है क्योंकि ट्रैवलिंग में रहती है फिशेज, इसलिए मैंने हमेशा बोला है कि 24 आवर्स के बाद खाना दीजिएगा। सो गाइज ये पूरा खाना ख़त्म करेंगे और कभी भी जब भी आप खाना दें तो वो टाइम पे वेव मेकर ऑफ रखिएगा। सो गाइज नेक्स्ट डे दे आर हैप्पी टू हैव न्यू होम, दे आर लविंग इट, अच्छा लग रहा है, अच्छी तरह मूवमेंट्स हैं। और हमारे टर्बो स्नेल्स हर्मिट क्रैब के लिए हम लोगों ने थोड़ा सा एक छोटा सा श्रिम्प का पीस डाला हुआ है जो कि वो भी इसको खा सकते हैं। अब वो सेम टाइम नहीं खाएंगे, बाद में खा सकते हैं, तो उनके लिए भी हम लोगों ने डाल दिया है। सो गाइस आफ्टर 15 डेज हम लोग लाए हैं न्यू क्लाउन फिशेस। यस गाइस हम लोगों ने ब्लैक ऑसिलरीज, निग्रो क्लाउन, ट्रू परकुला एंड ऑरेंज ऑसिलरीज, हमने 6 फिश और ऐड की है इसके अंदर, और साथ में येलो बेली डैमसिल्स भी डाली है हम लोगों ने इसमें। सो गाइस दे आर ऑल्सो हैप्पी इन द टैंक, लेट्स सी इनको कैसा लग रहा है। ओके गाइस दे आर ऑल्सो एन्जॉइंग द एनवायरमेंट। साथ ही साथ में हम लोग बबल टी पेनीमून डालते हैं। बबल टी पेनीमून के ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं जिसमें आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से बबल टिप का केयर करना है। अभी फ़िलहाल वीडियो में मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि बबल टिप को जब भी आप टैंक में आपके इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसको रॉक के ऊपर प्रॉपरली कैसे माउंट करें। आप अपने बबल टिप को अच्छी तरह से इस तरह से पकड़ के ज़्यादा मत दबाइए उसको, हल्का लाइटली उसको आप जगह पे एक जगह रख दीजिए। उसका जो फीट है, उसका जो बेस है, वो आप देखेंगे धीरे धीरे वहाँ पे होल्ड कर लेगा। यस गाइस उस हिसाब से आप उसको होल्ड कर सकते हैं और उसको अच्छी जगह पे एक रॉक के ऊपर होश करवा सकते हैं। आप देखिए क्लोजली, ये देखिए उसका बेस जो है उसने अच्छी तरह से रॉक को होस्ट कर लिया है। अब जितना भी प्रेशर है, ऑब्वियसली वेव मेकर चल रहा है तो प्रेशर है, ऑब्वियसली उसने होल्ड कर लिया है इसलिए वो जगह से छोड़ नहीं रहा है। उसी तरह से दूसरा बबल टी पेनीमून को भी आप होल्ड करा दीजिएगा बेस। यहाँ नहीं, इसको देखते हैं यहाँ पे रखें या नीचे रखें, चलो इसको नीचे रख देते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ पे क्लाउन फिश कभी भी आए और बबल टी पेनीमून को होस्ट कर सके। यहाँ नहीं, इसको नीचे डाल देते हैं यहाँ पे, सो दैट क्लाउन फिश हिडन स्पेस में ज़्यादा रहती है, खेलती है, तो इसको यहाँ, इसको हमने यहाँ पे होस्ट किया है। यस इसको भी बेस उसी तरह से आप छोड़ दीजिएगा, पकड़ लेगा वो। देखिए गाइस हो गया, होल्ड हो चुका है, उसी तरह से सेम नीचे भी हमने डाले। सो पुराने जो क्लाउन्स हैं हमारे ट्रू परकुलस, वो नए क्लाउन से मिल रहे हैं, दे आर हैप्पी टू हैव ए न्यू होम। और गाइस हमने स्टार फिश भी डाले हैं। स्टार फिश जो है, रेड लेग स्टार जो है, दिस आर रीफ सेफ, इनको आप अपने रीफ टैंक में आप अच्छी तरह से रख सकते हैं। ज़्यादा बायोलॉजिकल लोड ना देते हुए हम टैंक में कम ही मच्छी डालते हैं। 15 डेज के बाद हमने ये मच्छियाँ डाली है क्योंकि हमारा टैंक बहुत बड़ा है। जितना बड़ा टैंक रहेगा आपका, उस हिसाब से आपके टैंक के ऊपर लोड्स और आपके पैरामीटर्स जल्दी फ्लक्चुएट नहीं होते हैं, इसीलिए हमने सिर्फ छोटे से स्टार्ट करना सही समझा है, जिसमें कि हम लोगों ने एलिगेटर ब्लेनी भी डाली है। एलिगेटर ब्लेनी जो है उसका काम है, जो ये आप टैंक के ऊपर एलगेज देख रहे हो ब्राउन और रेडिश थोड़ी है, वो बाद में धीरे धीरे पर्पल एल्गे में कन्वर्ट होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में टैंक के अंदर कुछ लोड नहीं है, कोई खाने के लिए नहीं है। सो उसी लिए जो टैंक के ऊपर एल्गे आते हैं आपके, उसी लिए आते हैं। आप धीरे धीरे आप इन्वर्टिब्रेट्स इंट्रोड्यूस कीजिए टैंक के अंदर। सी कुकुम्बर है जो कि आपकी सैंड को मेंटेन करेगा। अब हमने एलिगेटर ब्लेनी डाल दिया तो आपका जो एल्गे है टैंक का, वो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। सो गाइस इसी तरह से आपको टैंक आपका मेंटेन रखना है। आफ्टर 24 आवर्स फिर ये नए क्लाउन फिश को फीड करेंगे एंड तब तक आपका टैंक साइकिल में आ जाएगा। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ओके गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए हैप्पी मरीन लाइफ।